Assalamu alaikum friend, welcome back. First of all, many congratulations to all of those who are shortlisted for interview and clear the written test of PPSC lecture. तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंटरव्यू के लिए आपने प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो अबाउट द प्रेपरेशन फॉर द इंटरव्यू. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी जनरल टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस जिनको फॉलो करके जो है हम इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. ये तमाम इंस्ट्रक्शन कि आपने क्या क्या चीजें साथ लेके जानी है, किस तरह एंटर होना है, किस तरह जो है उनके क्वेश्चनिंग के आंसर देना है, इसके अलावा जो है आपकी ड्रेसिंग वगैरह क्या होनी चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो है इंटरव्यू पैनल, उनमें कौन कौन से टीचर्स होते हैं, कौन सा टीचर कौन सी क्वेश्चन करता है, किस तरह की क्वेश्चनिंग होती है और किस लेवल की क्वेश्चनिंग होती है, और उन क्वेश्चनिंग का आंसर जो है आपने कैसे देना है. तो पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें डिटेल के साथ डिस्कस की जाएंगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू पैनल में कौन कौन से टीचर्स होते हैं, कितने होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. ये इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे जनरल टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस के बारे में जिनको आपने फॉलो करते हुए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है खुद को. ऑब्वियसली इंटरव्यू जो है रिटन टेस्ट से बिल्कुल एक डिफरेंट एग्जाम है और इसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर होना पड़ेगा. तो जिन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सबसे पहले जब आपको जो है इंटरव्यू का कॉल लेटर रिसीव हो जाए, जहां पे आपका सेंटर मेंशन हो और डेट जो है मेंशन हो, उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल प्रिपेयर करनी है. उसमें क्या क्या चीजें जो है होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल प्रिपेयर करनी है. सबसे पहले उसमें जो है आपने इंटरव्यू कॉल लेटर वो रखना है, उसके बाद अपना ओरिजिनल CNIC, इसके बाद अपनी तमाम ओरिजिनल डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्रीज अलग से, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अलग से, तमाम ओरिजिनल डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट जो है आपकी अपने पास उस वक्त होनी चाहिए. इसके अलावा जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल वो भी आपके पास होना चाहिए. इसके अलावा परमिशन लेटर, अगर आप जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी तरफ से परमिशन लेटर होना चाहिए कि आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप जो है ये जॉब कर लें. इसके अलावा जो है आपने जो अप्लाई करते वक्त ओरिजिनल फी चलान जो आपके पास है वो आपके पास होना चाहिए. जो अप्लाई किया था आपने, बैंक में फी सबमिट की थी, तो उसका चलान भी आपके पास जो है होना चाहिए. बाकी जो है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्स की एक एक दो दो जो है वो कॉपी एहतियातन जो है अपने पास रखें. इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने फाइल में अरेंज करके रख लेना है और ये काम जो है टेस्ट से एक दो दिन पहले आपने कंप्लीट कर लेना है. इंटरव्यू से एक दो दिन पहले आपने कंप्लीट करके अपनी फाइल प्रिपेयर करके आपने रख लेनी है, ताकि बाद में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े. देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है इंटरव्यू के लिहाज से, दैट इज ड्रेसिंग. कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए इंटरव्यू पे जाते हुए, तो आपकी ड्रेसिंग जो है बिल्कुल फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए, आइदर यू आर मेल और द फीमेल. फॉर्मल ड्रेसिंग और वो ड्रेसिंग जो कि आप पे ज्यादा सूट करती है. अब इसमें जो है बहुत हैवी ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, या पार्टी ड्रेसिंग या ओवर ड्रेसिंग जो है वो इस किस्म की नहीं होनी चाहिए. मेल्स के लिए यूजली जो है वो आमतौर पर पैंट शर्ट यूज करते हैं, ड्रेस शर्ट एंड ड्रेस पैंट. तो ड्रेस शर्ट जो है वो प्लेन होनी चाहिए, चेक्स में नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है टाई यूज कर सकते हैं, या फिर जो है वेदर कंडीशन पे डिपेंड किया जाए तो कोट भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तो दिस इज द बेस्ट ड्रेसिंग फॉर मेल्स. अगर जो है वो शलवार कमीज पहनना चाहें तो वो भी एक अच्छी ड्रेसिंग है, उसमें भी कोई किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं है. डिपेंड करता है कि आप पे क्या ज्यादा सूट करता है. अगर आप पे शलवार कमीज ज्यादा सूट करता है और नॉर्मली आप वही पहनते हैं, तो आप वही पहन के जाएं, लेकिन अच्छे से सलीके से जो है वो जो कलर कम्बिनेशन वो अच्छा होना चाहिए. शलवार कमीज पहने, ज्यादातर जो है व्हाइट कलर का शलवार कमीज, ऊपर जो है वो ब्लैक कलर की वेस्टकोट पहन लें, नीचे जो है वो ब्लैक शूज. दिस इज द बेस्ट ड्रेसिंग विद रेफरेंस टू शलवार कमीज. एंड जो है वो अगर पैंट शर्ट पहनना चाहें तो उस लिहाज से जो है आप ड्रेस पैंट शर्ट का इंतखाब करें. इसलिए जो है फीमेल्स की बात की जाए तो वो भी अपना वो ड्रेस चूज करें जो कि फॉर्मल है और उन पे ज्यादा सूट करता है, नॉर्मल है, जिस जो ड्रेस उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, जिसमें ज्यादा ओवर ना लगे वो, या फिर वो ना हो कि वो उन्हें अपनी बजाय ड्रेस का ज्यादा ख्याल करना पड़े इंटरव्यू के दौरान. तो इस लिहाज से जो है अपना अपना ड्रेस सेलेक्ट करना है. बहुत ज्यादा जो हैवी ड्रेस भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा जो है वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शो करे कि आपने की बिल्कुल आप जो है केयरलेस हैं,
और यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपकी ड्रेसिंग ही होगी, तो इस लिहाज से आपने ड्रेसिंग का ख्याल रखना है. इसके अलावा जो जनरल टिप्स हैं कुछ, उनको फॉलो करना है आपने इंटरव्यू के दौरान. सबसे पहले जो है आपका जो सेंटर आपको पता चल गया होगा, डेट पता चल गई होगी, टाइम का पता होगा, टाइम से आधा घंटा घंटा पहले आपने पहुंचना है वहां पे, ठीक है. जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो बाहर जो आदमी अटेंडेंस ले रहा होगा उसको अपना जो है नाम लिखवाना है कि मैं आ गया हूं, आई एम प्रेजेंट, वहां पे अपनी जो है अटेंडेंस लगवा देनी है. देन आपने वेट करना है, जो भी वहां उनकी सिटिंग अरेंजमेंट हो वहां पे बैठ जाना है, अपनी टर्न का इंतजार करना है. जब भी आपकी बारी आए आपको बुला लिया जाएगा, और जब आप बैठे हुए हो उस दौरान एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे होते हैं कि वो जो है इंटरव्यू से पहले आधा घंटा 5-10 मिनट डिस्कशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये टॉपिक ऐसे था, ये टॉपिक ऐसे नहीं, ऐसे होना है. तो इस डिस्कशन से खुद को अवॉइड करना है, आपने अवॉइड करना है ऐसी डिस्कशन से जो कि जो है उस दौरान आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी. तो इंटरव्यू से पहले किसी किस्म की ऐसी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट ना हो. देन जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सबसे पहले जो है एंटर होना है आपने, डोर ओपन करना है, उसके बाद जो है डोर जो है खुद बंद कर देना है, डोर लाजमी बंद करना है. उसके बाद आगे जाके सबसे पहले सलाम देना है, सलाम देने के बाद वहीं चेयर के पास खड़े हो जाना है, जब तक वो ना कहें आपने जो है वो बैठना नहीं है. या फिर आप पूछ सकते हैं उनसे कि क्या मैं बैठ सकता हूं, तब जो है आप जाकर चेयर पे बैठना है. बैठने के बाद बिल्कुल आपने सीधा स्ट्रेट बैठ जाना है, और आपका आई कॉन्टेक्ट जो है उन टीचर्स के साथ होना चाहिए. आपने इधर उधर ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं देखना, आप सामने उनकी तरफ देख रहे हो जो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो. चेहरे पे जो है हल्की सी स्माइल हो जो कि शो कर रही हो कि आप बिल्कुल घबराए हुए नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई है. तो ये चीजें थी कुछ जो कि आपने माइंड में रखनी है इंटरव्यू देते वक्त. इस वीडियो में हमने इन जनरल चीजों के बारे में डिस्कस किया है. इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि इंटरव्यू पैनल में कौन कौन से टीचर्स होते हैं, किस किस तरह के जो है वो क्वेश्चन होते हैं, कौन से सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के कौन से टीचर पूछते हैं, करंट अफेयर के कौन से पूछते हैं, ये बाकी टीचर जो बैठे होते हैं सब्जेक्ट वाले, तो वो किस तरह किस लिहाज से क्वेश्चन पूछते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के लिहाज से. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.